कोई भी कहा करे इसमें इख्तलाफ नहीं है। मौत के सिलसिले में अच्छा नहीं, दायरे इस्लाम से भी बाहर आप निकलिए और अहले हुदूद के पास जाइए, यहूदियों के पास चले जाइए, यहूदी ईसाई जो इस्लाम के मद्दे मुकाबिल रहते हैं, आप उनसे जाके कहिए भैया आप यहूदी हैं, मुसलमानों का ये यकीन है कि मरना है, आपको इस पर इख्तलाफ भी नहीं है। तो जवाब आएगा कि मौत में इख्तलाफ किसी को नहीं है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसमें ना मजहब ना फिरका ना मुल्क ना वतन, बल्कि हर किसी का यकीन यह है कि मरना हर किसी को है, बाकी कोई रहने वाला नहीं है, हर किसी को मौत हर हाल में आनी है। हाँ, मरने की कैफियत में इख्तलाफ है, मरने की कैफियत में इख्तलाफ है, खुसूसी तौर पर शिया इलाकों में बहुत इख्तलाफ है मरने के सिलसिले में। मौत आनी सबको है, इसमें सबका इत्तेफाक है। शियों में इख्तलाफ पाया जाता है कि मरने वाला जो मरता है उसके मरने में इख्तलाफ पाया जाता है। अभी ये 1400 साल पहले की रिवायत है, अभी से आज से तो नहीं, पैगंबर उस दौर में थे, अमीर मोमिन उस दौर में थे, ये सारी रिवायतें उस दौर की है। अब एक रिवायत मरने वालों की कैफियत में फर्क जरूर है कि मरने वाला कैसे मर रहा है। उस दौर की रिवायतें कहती है, रिवायतें और हमारे सामने पेश कीजिए, एक रिवायत ये मिलती है कि जब मरने वाला मरता है तो इस अंदाज को बहुत सुना होगा आपके सामने, ये सारे कलमात है, लेकिन लुबो रवाब इंशाल्लाह में पेश करूंगा, वही पूरी मजलिस का जुदा होगा कि मरने वाला जब मरता है तो मरने की कैफियत दो होती है। एक ये कि एक मरने वाला जब मरता है तो उसे इतनी अजियत होती है मौत में, एक मिसाल आपके सामने पेश की जाती है कि ऐसे जैसे किसी रेशम के लिबास को कांटों की झाड़ पे डालकर उसे फेंक दिया जाए, उसके सारे तार अलग अलग हो जाते हैं, जब एक मरने वाला मरता है तो उसकी मौत की कैफियत ऐसे ही होती है कि उसकी एक एक जिस्म की रगो रगो को मरदूर मौत खींच लेता है, इतनी तकलीफ होती है। बाज रिवायतें हैं इसको बहुत ही यानी चुकी मरला इससे गुजरना है, बाकी नहीं रहना, जिसको हर किसी को सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसी हकीकत है जो हर हाल में पूरी होनी है। तो उस सिलसिले में मिलता है, यहां तक के बयान मिलता है हमारे साथ मुहर्रम का यह जुमला है कि वो कहते हैं कि जब मरने वाला मरता है एक मरने वाले की कैफियत ऐसे होती है कि जैसे पहले तो वो चीज मौजूद थी कि हमारे यहां गाय और भैंस वगैरह पाली जाती थी, तो गड़ासी के जरिए उसको खास को बाकायदा काटा जाता था। तो एक मरने वाले की कैफियत ऐसे होती है कि जब उसकी रूह निकलती है तो ऐसा लगता है कि उसके जिस्म को कोई गड़ासे से लेकर कीमा कीमा कर रहा हो। अब आप बताइए कि जिसकी रूह ऐसे निकल रही है उसकी कैफियत क्या होगी। और एक और रिवायत मिलती है कि जब मरने वाला मरता है तो ऐसे मरता है कि जैसे फूल से खुशबू निकाला है। रिवायतें दो हैं, रिवायतें दो हैं कि एक जहां यह मिलता है कि मरने वाला मरता है तो इतनी अजियत इतनी तकलीफ पहुंचती है कि जैसे उसे कीमा कीमा कर दिया गया। दूसरी जगह पर रिवायत मिलती है कि जब मरने वाला मरता है तो फूल से खुशबू निकल आए। रिवायतों में इख्तलाफ पाया गया कि नहीं पाया गया? रिवायतें दो, रिवायतें दोनों अलग अलग अंदाज में, भैया या यह सही है या यह सही है, या तो खुशबू की तरह निकल रही है या कीमा कीमा जिंदगी
क्या मान लिया मसला खत्म हो गया भाई? मौत आई, इंसान इस दुनिया में आया, पहले मरे हुए थे, हयात लेकर इस कायनात में भेजा, अब परवरदिगार कह रहा है इस जिंदगी में तुम गुरूर नहीं करना, तकब्बुर नहीं करना, हम तुम्हें मार देंगे। फिर परवरदिगार मार दिया, मसला खत्म का नहीं, सुम यहीकुम, हम तुम्हें फिर तुम जिंदा करेंगे। कौन कह रहा है? हमारा परवरदिगार कह रहा है क्या कि कैसे अपने सामने लेकर आएंगे, हिसाब किताब तुमसे लेंगे, तुमने इस दुनिया में जो जिंदगी दी थी उससे क्या क्या करेंगे। इस कुरान की आयत की नजाकत समझ लिया। यहां पर कुरान ने दो मरतबा हमारी मौत का तस्करा किया, दो ही मरतबा हमारी हयात का तस्करा किया। अवलन कैफत तकून बिल्लाह व कुंतुम अमवात, पहली मौत तुम मरे हुए थे, तुम्हारा कोई वजूद नहीं था, हम तुम्हें जिंदा करेंगे, फिर तुम्हें मारेंगे, दूसरी मौत। ये कहा इस जिंदगी के बाद वाली मौत है जो हमें गुजरना है। फिर परवरदिगार ये दूसरी हयात है, इस हयात के बाद परवरदिगार ने मौत का तस्करा किया ही नहीं। इसका मतलब यह है, अच्छा क्या मौत पसंद है सबको? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मौत पसंद है? मुझे नहीं पसंद है, मैं अपनी बात कह रहा हूं, मुझे नहीं पसंद है। आपको पसंद है? आपको पसंद है? नहीं, हमारे यहां के नौजवानों को तो छोड़िए, वो लोग जो इस तरह इस तरह हाथ में मौजूद हो गए हैं, यार ये कब और कब मौत की खबर कर दें? अगर आप इनसे पूछिए भैया आपकी क्या हसरत है, मरना चाहेंगे? कहेंगे भी बड़े लड़के की शादी बाकी, वो देख लेता तो मरता। और हमारी और आपकी कोई तो हैसियत ही नहीं है, चलिए नदियों के पास में चलिए, अम्बिया से पूछिए, जनाब मूसा का बड़ा हंसी हमारे यहां मौजूद है, जनाब मूसा के पास ये बातें से जनाब मूसा ही कर रही है, जनाब इब्राहिम के लिए जनाब इब्राहिम के पास भी फरिश्ता पहुंचा है। बास नदी ऐसे हैं कि उनके पास आए, वो कहा चलिए ये मिलेगा, अगर नहीं ऐसे नहीं मिले तो दिखाओ मुझे क्या क्या मिलेगा। नहीं मरना, आप देखिए नबियों की तस्वीर है, मासूम है, नहीं कह सकते हैं कि गुनहगार है इसलिए मौत से घबरा रहे? नहीं, मौत से घबरा रहे लेकिन पसंद नहीं मौत है। हर कोई हयात चाहता है, और हमारे जिन जिनको डर था कि कहीं ऐसा ना हो मुझे आवाज आए,
होते चले जा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमियां होती चली जा रही है, हॉस्पिटल भरे हुए हैं, हर कोई का अब आपको फोन आने लगेगा, भैया फला तारीख को मैं आ रहा हूं। चाचा 10 साल से आपको बुला रहे थे, 15 साल से बुलाया जा रहा था, 5 साल से बुलाया जा रहा था, एक बार चेहरा दिखा दिया, अब क्या हो गया, आप क्यों चले आ रहे, क्या वजह है आने की? बेटा मौत हल्लोर में नहीं आनी, तवज्जो रखता हूं, मौत हल्लोर में नहीं आनी, वो भतीजा वो बेटा जो अभी तक बुला रहा था चीख चीख के, चले आइए चले आइए, वो दोस्त से फोन करा तो भैया जमाना हुआ, बचपन के पिछले मुलाकात नहीं मिल गई है, एक बार चले आइए, अब वो फोन कर रहे हैं, आप कह रहे भैया क्या जरूर जगह ही नहीं है, सारे कमरे पहले से बुक हो चुके हैं, घर में जितनी जरूरतें थी जितनी जगह थी, कहीं ताया को मौजूद है, कहीं चाचा मौजूद है, कहीं भतीजा मौजूद है, कहीं कोई, अब जगह मेरे यहां मौजूद नहीं, अब आप उनको रोकना चाहते हो, आना चाहते हैं, कल आप बुला रहे थे वो आना नहीं चाहते थे, तो भैया ये मोहब्बत जो पहले आपके अंदर थी, चचा को बुला रहे थे, भाई को बुला रहे थे, अजीज को बुला रहे थे, आज वो आने के लिए तैयार है, आप मना क्यों कर रहे हैं? ऐसे मौत का खात्मा हो चुका है अंदर से, अब मौत नहीं आनी है, मौत ना आने की सूरत में जिन लोगों को कदर बुलाया जा रहा था, पूरा अल्लाह भरा है, अगर आप आबादी जोड़िए दस्तार किए तो जो दूर दूर से रिश्तेदार भी नहीं लगते थे वो भी किसी तरह से चाहेंगे कि हम लोग चले आए, तो उसे मौत नहीं आनी है। मौत का अच्छा एक और मिसाल मैं आपको, मौत के नुकसान को अगर खत्म कर दिया जाए, सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि कवानीन खत्म हो जाएंगे इस कायनात से। मिसाल के तौर पर आज हर शहर से चोर डरता है, जिस किस्म का चोर हो, जरूरी नहीं माल करने वाला भी चोर हो, हर एतबार का चोर, चोर हमेशा शहर से डरते हैं। मिसाल के तौर पर कोई चोर चोरी करके लेके जा रहा है, कोई कातिल कत्ल करके किसी को आया था, चलाया हो रहा है, खड़ा है, पुलिस ने कहा कि हमें हथियार डाल दो वरना गोली मार दूंगा, कमाल को कौन करने वाला है यहां, कमाल को कौन करे, क्यों क्या इसलिए कि यहां मौत नहीं आनी, इसका मतलब यह है कि अब चोरों को चाहो से डर नहीं रहा, अब चोर को पुलिस से डर नहीं रहा, अब कानून की पामाली ना की जाएगी, क्यों, इसलिए कि एक सबसे बड़ी नेमत जो मौत थी वो हटा दी गई है, मौत के हटने से निजाम कायनात निकल जाएगा, अल्लाह ने नेमत मौत को इसलिए रखा ताकि आपस में मोहब्बत कायम रहे और निजाम कायनात चलती रहे। कहा
और कहा एक दोस्त दूसरे दोस्त की मुलाकात से घबराता नहीं। नहीं बोलेगा और उन्हीं का जुमला के अपने आप को तैयार रखे होने जनाब मूसा ही वाहिद एक ऐसे मरने वाले हैं कि अपनी कब्र भी उन्होंने तैयार की है खुद ही और खुद ही उसमें दफन हुए हैं। इंसान को पहले से तैयार होना चाहिए। तो कहिए मूसा जैसा नबी इन्हें भी मौत पसंद नहीं। मौत किसी को नहीं पसंद है, कोई मरना नहीं चाहता है, लेकिन कुदरत ने इसीलिए मौत के बाद ताकि तुम्हें यह एहसास हो जाए कि यह मौत तुम्हारी अवधि मौत नहीं होगी, बल्कि इस मौत के जरिए हमने तुम्हें सफर करने का सिखाया कि तुम इसे छोटी सी कायनात में जिंदगी गुजारने के बाद एक बड़ी कायनात की तरफ अगर मुंह करना है तो मौत का सफर तुम्हें करना पड़ेगा। अब यह और बात है कि तुम अपने सफर के लिए ज्यादा राम मुहैया चाहते हो कि नहीं। अब उसी राह के लिए जिस एतबार से हम अपना इंतजाम करेंगे, गाड़ी भी हमारी वैसे होगी, हमारे पास आदमी हो, मैं आपको तैयार रख गया हो और अचानक मुंबई जाना है तो भैया या तो जनरल डब्बे में लटक के जाएंगे या किसी पुलिस के जरिए डंडा खाएंगे या कोई और परेशानी होगी। क्यों? इसलिए कि आपने इसका कोई प्लान नहीं किया। इसलिए उस कायनात के लिए प्लान कीजिए। अपने बारे में बयान की कि मरने वाले आदिस बताती है कि दो तरह के हैं, एक वो मरने वाला जिसकी रूह जब निकलती है तो ऐसा लगता है कि उसे तीमा तीमा कर दिया गया है, एक वो मरने वाला जिसकी जिस्म से ऐसे रूह निकलती है जैसे फूल से खुशबू निकल जाए। अब आप बताएं कि पहले किसकी रूह निकाली जाए, उसकी जिसकी तीमा तीमा होती है जिसकी खुशबू। अच्छा फर्म शतावत भी है कि पहले उसकी रूह निकाली जाए जिसको तीमा तीमा करके निकाला जाए। एक सवाल पर मोहम्मद इंसान पैदा तो इंसान होता है लेकिन मरने के वक्त इंसान जैसा नहीं होता। ये जुड़ा याद रखिएगा, पैदा तो इंसान होता है लेकिन मरते वक्त वो इंसान जैसा नहीं मरता। वो दो में से एक सिफत उसके अंदर जरूर पाई जाती। मासूम फरमाते हैं कि मरने वाला या तो जब मरता है तो जानवर से बदतर होकर मरता है या मरने वाला जब मरता जो लोग जानवर से बदतर होकर मरते हैं उनकी कैफियत वो होती है और उनमें से कोई भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर वो कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने हराम और हलाल की पाबंदी नहीं की। अच्छा जब इंसान मरता है ना तो तीन चीजें सबसे पहले उसके सामने आती हैं। तीन चीजें सबसे पहले इहतिदार, आपने सुना होगा इहतिदार कहती इसीलिए है कि वो वक्त जब चीजें आपके सामने हाजिर हो रही हो, मरने से पहले वक्त इंतजार का आता है कि जहां आपके सामने अशिया हाजिर होने लगती है। उस्ताद मोहतरम हमारे फरमाते हैं कि मासूमिन की हदीस के एतबार से तीन चीजें ऐसी हैं जो हर मरने वाले के सामने आती है। पहली चीज माल, दूसरी चीज औलाद, तीसरी चीज आमाल। जब माल मरने वाले के सामने आता है तो मरने वाला सवाल करता है, मैंने तुझे कमाने में ना हलाल देखा ना हराम देखा ना दिन देखा ना रात देखा, पूरी मेहनत के साथ मैंने उसे कमाया, बता तू मेरे क्या काम आएगा। माल कहता है बस मुझसे कफन ले ले, इससे ज्यादा मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता। फौरन भी उसके बाद इंतजार की सूरत में आती है, वही मां पूछता है, वही मां पूछती है, बेटा मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, ये माल तुम्हारे लिए मैंने हासिल किया, अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए मैंने वक्फ कर दी, तू मुझे क्या देगा। बाबा कांधा दूंगा, कब्र की मंजिल तक पहुंचा दूंगा। जो सबसे तीसरी चीज जो अहमियत रखती है वो सामने आता है, उससे सवाल होता है
तू मुझे क्या देगा, इसके तो करीब नहीं गए थे और उस अंदाज में लिखा है भी नहीं ला सकते। अच्छा आया तो बता कि तू मुझे क्या देगा, कहां से मेरे साथ काम आएगा। कहां आवाज देता है, मैं तेरे कब्र में काम आऊंगा, मैं बरज़ख में काम आऊंगा, मैं सिरात में काम आऊंगा, मैं महशर में काम आऊंगा, मैं सवाल जवाब में काम आऊंगा। यानी माल कफन तक आपके साथ देता है, बेटा कब्र तक आपके साथ देता है, लेकिन आमाल एक ऐसी चीज है जो कब्र तक साथ देगा, बरज़ख तक आएगा आपके साथ, सिरात तक आपके साथ आएगा, महशर में आपके साथ आएगा। अब शर्त यह है कि जैसा माल लेके जाओगे उसी एतबार से काम आएगा। सलाम पढ़े मोहम्मद सामने आती है। इन तीन चीजों के बाद सबसे ज्यादा जो चीज सामने आती है, सबसे अहमियत रखने वाली चीज जो सामने आती है, रिवायत बताती है। अच्छा ये जो मरने वाला होता है ना, ऐसा नहीं कि फौरन आया और निकल के चलिए खत्म हो गया मामला। मलक उल मौत, ये तीनों चीजें मलक उल मौत हाजिर होते हैं, कुछ गुफ्तगू आपस में होती है, कोई असरात कोई तमन्ना, हाँ हसरत है, कोई भी बताए कोई मरना नहीं चाहेगा। उस वक्त मलकुल मौत से भी यही कहा जाता है, क्या हाँ हम बड़े बेटी की शादी बाकी है, बेटियां बाकी हैं, अगर ये सब हो चुका है, बड़े बेटे ने बुलाया था वहां जाना, ये सारी हसरत है बात लेती है। मलकुल मौत अपने अपने एतबार से सवाल करता है, लेकिन अगर मरने वाला बंदे मोमिन नहीं है तो सिर्फ सवाल नहीं होते हैं। अब कुरान कहता है कि यज़रिबूना, वो फरिश्ते जो आते हैं या रूह कब्ज करने के लिए, यज़रिबूना वजूहाहुम, वो उनके चेहरों पर तमाचे तमाचे मारते हैं, और सिर्फ तमाचे नहीं बल्कि मिलता ही एक चेहरे और पुष्प पर मारते हैं और कहते हैं कि तुझे जहन्नम का अज़ाब, आग का अज़ाब मुबारक हो। ये कहने वाला कौन है? फरिश्ता है, मंजिल भी नहीं आई जिंदगी में, इंतजार की कैफियत में। कुरान कहता है कि उनके चेहरों पे मारते हैं, उनकी पुश पे मारते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि आग का अजाब तुम्हारे लिए है, यानी मरने के बाद आग नहीं जिंदगी में आग से अजाब देते। अब आप बताएं, खुद फैसला करें कि फरिश्ते जिन्हें मार रहे हो आग के गुर्ज के साथ, उसकी रूह कैसे निकलेगी, उसकी रूह की कैफियत क्या होगी, क्या मोहब्बत से निकल जाएगी? जितना तड़पता होगा वो, जिसे मासूम ने फरमाया कि मरने वालों की कैफियत ऐसे होती है कि जैसे कीमत की मत कर दिया गया हो, लेकिन ये वो लोग जिनके अमाल सही होते हैं, जिनके अमाल खराब होते हैं, जिन्होंने कुफ्र किया हो या जिन्होंने अहले बैत का इनकार किया हो, यही मरने वाले की कैफियत बदलती है। अब मरने वाला बंदा मोमिन है, फिर यही फरिश्ता हाजिर होता है, सवाल करता है कोई हसरत, हाँ वो भी वही, मैंने बताया कि मौत किसी को पसंद नहीं, फिर उसे क्या हसरत है, क्या हसरत है? खाने काबा जाना चाहता था, उमरा करना चाहता था, हज करना चाहता था, कितना तो मौका मिल जाए कि हज कर आऊं, मैं गांव में रहता हूं, बेटा मेरा मुंबई शहर में रहता है, लखनऊ में रहता है, दूसरे और मकाम पर रहता है, गांव में वो आसाइश नहीं है, बेटे ने टिकट निकाल दिया, बाबा चले आओ, जरा चंद मौका दे तो दीजिए, दिन भर का, दो चार हफ्ते का, दो चार साल का, कि जाकर शहर की आराइश को उठा सकूं। ये कौन है? ये वो है जिसके नामा आमाल नेक है, ये भी अपनी हसरत पेश करते हैं, लेकिन जब अपनी हसरत पेश कर लेते, याद रखें कि इनकी रूह कैसे निकलती है, जैसे फूल से खुशबू निकल जाए। वही फरिश्ता जो अभी एक को मार रहा था, चेहरे पे गुर्ज मार रहा था, पोस्ट पे गुर्ज मार रहा था, अजाब का नुजूर हो रहा था, आग बरस रही थी, वही फरिश्ता मोहब्बत के साथ पूछ रहा है, हाँ तुम्हारे पास हसरते हैं, लेकिन क्या इससे बेहतर तुम्हें आराम न दिखाऊं, क्या इससे बेहतरीन चीज तुम्हें न दिखाऊं, क्या कसम का योर देखो, बस एक मरतबा हिजाब खत्म किए जाते हैं, इस दुनिया से ताल्लुक खत्म हो गया, उस दुनिया की चीजें नजर
तो वो देखो तुम्हारे लिए वो कस्ट मौजूद है, वो तालाब मौजूद है, वो नहर मौजूद है, वो संसदीय मौजूद है। देखने वाला देखता हुआ चला रहा है। अपने आयत बताती है कि दोनों मरने वालों के सामने जब फरिश्ते दिखाते हैं, जो एक मरने वाला जिसके तीनों तीनों होता है उसे दिखाता है, जहन्नम में तेरे लिए वो अजाब है, वो पीक है, वो तमाम मुश्किलात तुम्हारे लिए है। जन्नत के लिए बताता है वो कसूर है, वो महरे है, वो संसदीय है, वो जन्नत है। जब ये दोनों को दिखा देता है फिर एक मरते मरतबा कहता सुन मान लो फिर देख। अब दोनों देखने वाले देखते हैं, जब निगाह उठाती है तो दो शख्सियतें नजर आती है, या मोहम्मदन व अली। क्यों ऐसा होता है? फरिश्ता कहता है अब देखो, देखता है यरा मुहम्मदन व अलीयन, उसकी निगाहें अपनी मर्तबत को देखती है, अली मुर्तजा को देखती है। अब फिर यहां रिवायत आती है कि सिर्फ मोहम्मद व अली को नहीं देखते बल्कि तमाम अहले बैत को बंदे मोमिन देखते हैं। ये बंदे मोमिन की खुशियत है, वो जो बंदे गैर मोमिन है उसको अली मोहम्मद नजर आते हैं, ये दोनों मासूम नजर आते हैं, लेकिन जो मोमिन है उसे बारह इमाम नजर आते हैं। जब वो सारे के सारे अफराद मौजूद होते हैं ना, हमने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा इमाम हसन को, हमने तो नहीं देखा इमाम हुसैन को, हमने तो नहीं देखा इमाम सैयद सज्जाद को, पहचानेंगे कैसे? फरिश्ता कहता वो जैसी कल नहीं पहचानता। एक मतलब फरिश्ता कहता है वो तुम्हारे मौला हसन है, वो जिसके लिए तुम नमाज पढ़ते थे वो तुम्हारे मौला हसन है। मैं आपकी जुमला की खिदमत में पेश करना चाहता हूं कि कैसे एक मरने वाले के जिस्म से रूह से निकलती है जैसे फूल से खुशबू निकल जाए। फरिश्ता पहचान करवाता है कि वो देखो इमाम हसन है, वो देखो इमाम हुसैन है, वो देखो सैयद सज्जाद है। मरने वाला इतना मोह हो जाता है अपने मासूम इमामों की ज़ियारत में कि दर फरिश्ता
उस इमाम से कभी नहीं बच सकता कोई। वो नहीं किसी शायर का वो कि हर गा हर जा हाँ मरना है बचना है अगर तो फिर आप जानना मिल जाइए, तो वही वाला सही मसला है। यानी से नजरगी ना मौत किसी सूरत में कोई बच नहीं सकता है, क्योंकि मौत को हया खुदा नहीं कि हत्या मिले रखा है, मरना हर किसी को है। अच्छा मरने वाला तो मर गया, अब अपनी बात में कर लिया, मरने वाला मर गया। जब मर जाता है आदमी उसने कफन दिया आपने, तो आप पहला वाजिब पढ़ेगा उसने कफन के बाद यह है कि उसकी नमाज पढ़ी जाए, पढ़ाई जाए। इमाम खड़ा हुआ नमाज पढ़ाने के लिए, चौथी तकबीर में जो दुआ पढ़ी जाती है अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा अब्दुक व इब्नु अब्दिक व इब्नु अमतिक नज़र बिक व अंत खैरु मंज़ूरिल बैत अल्लाहुम्मा उसके बाद जो जुमला है कि एक इमाम खड़ा हो गए तो आप नमाज पढ़ रहे हैं अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, मेरे परवरदिगार इस मरने वाले के बारे में खैर के अलावा मैं कुछ नहीं जानता। क्या कह रहे हैं आप? नमाज है, कोई मामूली बात नहीं, नमाज है। जो दुआ की सूरत में आप दुआ कर रहे हैं परवरदिगार अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, मैं खैर के अलावा इसके बारे में कुछ नहीं जानता। कौन नहीं जानता अली अब्बास के बारे में? कौन नहीं जानता शफर भाई के बारे में? आप अपने पड़ोसियों के बारे में तो कम से कम जानते हैं कि कैसा अच्छा है कि बुरा है। मैं अपनी बात ले लूं कि भैया बड़ा परेशान किया था जिंदगी में इन्होंने, कोई अपने ऊपर ना लीजिएगा। एक मिसाल है, बड़ा जिंदगी में परेशान किया था, अच्छा अब मर गए तो ताबूत में आप तो नहीं कुछ कर सकते, तो चलो किसी और से शिकायत नहीं करते, अल्लाह से शिकायत करते। ऐसे पढ़ना लिखा ये मरने वाला झूठ भी बहुत बोलता था, ये मरने वाला मक्कार भी बहुत था, बड़ी तकलीफें पहुंचाई पड़ोसी, कोई ऐसे नहीं थे जिससे परेशान ना, पड़ोसी तो छोड़िए रिश्तेदार नाते नाते सबको परेशान कर रखा था। अब अगर ये एक बात इरादे इरादे में ही बोल भी अपने परवरदिगार से कर ले कौन सुनने जा रहा है, लेकिन परवरदिगार कह रहा है आज मेरे सामने खड़े हो इस मैयत के सामने तो देखना ये मत बताना कि ये झूठ बोलता था, ये मत बताना कि ये दीपक करता था, ये मत बताना कि ये नासिक था, ये मत बताना कि ये शराबी था, ये मत बताना कि इसके अंदर बुराइयां मौजूद थी। फिर
कि मैं तुम्हें इसके बारे में खैर के अलावा कुछ नहीं जानता। मेरे परवरदिगार ऐसा क्यों करना चाहता है, क्यों कहलवा रहा है, जबकि मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूं। आवाज आई कि तेरा परवरदिगार ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि तू एक मरने वाले की इबादत करे, अपने रब के सामने एक मरने वाले की इबादत करे। तवज्जो चाहता हूं, वो खुदा जो मरने वाले की इबादत पसंद नहीं करता, वो खुदा जो मरने वाले की इबादत नहीं पसंद करता। तो आप जरा बताएं कि जो जिन्ना है क्या कह रहा है, जबकि उसका मामला खत्म हो चुका है। जब खुदा मुर्दे की इबादत नहीं पसंद करता तो खुदा जिंदे की इबादत को किसी सूरत में पसंद नहीं कर सकता। मौत हर किसी को आनी है, कोई इस मौत से नहीं बच सकता। बस तरीका बदलेगा कि किस अंदाज में मरना है, किस तरीके से मरना है। खुशबू की तरह रूह निकाली जाए या दिमाग कर करके निकाली जाए, या अख्तियार परवरदिगार ने हमें नहीं रखा है। मौत हर किसी को जायका है, मौत जितना है तो जायका हमें बनाना है। हम शहद से ज्यादा शीरी जायका लेके जाए या फिर करेले से ज्यादा कौवा हमारे पास जहर मौजूद हो, यह अख्तियार अल्लाह ने हमको दिया। हम ये तय करेंगे कि हमें किस तरह से मरना है। इस मरहूम की मौत हुई जिसका 40वां है, बताया मौत से चंद दिन पहले जैसे रास्ते उसके बाद सुनता हूँ कि अचानक मौत हो गई। मरने वाले इस अंदाज में भी मरते हैं, कल तक इनके हयात दस्तियाब हो रहा था, अचानक सुनने में आता है कि वो मर गए। तो यकीन अली के चाहने वालों की मौत इसी अंदाज में होती है, वो रहे तब भी दुनिया याद करती है, मर जाए तब भी दुनिया याद करती है। क्योंकि इस 40वें के साथ एक बाप का ये 40वां है जिसने अपने पीछे चंद बेटे छोड़े, बस वो जुमले उस बाप को बेटे के उसके बाद इंसाइड ये मजलिस और जो हो रही है हमारे घर। तो मरहूम ने अपने पीछे बेटे और बेटियां छोड़ी, यकीनन बेहतरीन तरबियत की, और इसकी कीमत और एक बाप की अहमियत अब उन बच्चों से जाके पूछिए। तुम्हारे लिए बाप कैसा था, जिनके माँ बाप जिंदा हैं उन्हें उसकी अहमियत नहीं मालूम। इमाम हसन का जुमला है कि नेमत के सर होने के बाद कदर नेमत समझ में आती है। बाप किसी भी सूरत में मौजूद हो, जिस तरह अलालत पे मौजूद हो, अगर बाप है तो ऐसा लगता है कि मजबूत दरख्त मौजूद है। और अक्सर हमारे नौजवानों के अंदर ये मैंने मुतअद्दिद बार अक्सर नौजवानों से ये जुमला सुना हुआ कि खिदमत में नजर करके और अपने मसाइल के एहसास करें कि बाप बहुत, जिनके माँ बाप नहीं है उनको अफजल कीमत बाप की मालूम है, माँ की मालूम है। ये सवाल उठकर लिया जाता है ना, मेरे लिए किया क्या मेरे अब्बा ने, जो कुछ हूं मैं अपने बलबूते पे हूं, जो कुछ मैंने किया वो मैंने खुद किया है, क्या खर्च किया होगा मेरे लिए ऊपर, मजदूरी की जिंदगी गुजार दी, कुछ प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी हमारे लिए। ये जब से पैदा हुआ हूं शोर हुआ है, नहीं देख रहा हूं कि बिस्तर पे पड़े हुए हैं या कोई काम काज नहीं कर रहे, उन्होंने हमारे हकों को पूरा नहीं किया, ये कहने बाप के हक को साबित नहीं किया जा सकता। अभी ना समझेंगे बाप क्या दिया आपको, बाप ने आप ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जॉब ये नौकरी ये सारी चीजें मेरी अपने ऊपर है, मेरी मेहनत से है, मैंने पढ़ा, मेरे बाप ने मुझे कुछ दिया ही नहीं, अपनी पूरी जिंदगी में ना कोई प्रॉपर्टी छोड़ी ना कोई मिल्कियत छोड़ी, अपनी इस नौकरी पर अपने इस ओहदे पर हूं तो अपनी वजह से हूं। बाप अपनी नौकरी अपनी दौलत अपने मनसब पर फख्र न कीजिए कि बाप ने उसे आपको नहीं दिया, तो आप अपने बाप के हाथ से दूर हो जाए। इससे बढ़कर और क्या नियमत हो सकती है
कि बाप ने तुम्हें अपना नाम दिया जिसके बिना पर तुम सर उठा के जिंदगी गुजार रहे हो। एक सबसे बड़ी नेमत यही है कि पास बाप का नाम नहीं है, आज तक आप सलाम करते चले आ रहे हैं। ये कम इज्जत और शरफ है, और इस बाप ने अपना नाम देकर तुम्हारे दिल में विलायत अली को पहुंचा दिया है। वरना रिवायतें कहती हैं कि जिनका बाप मौजूद ना हो वो अली से मोहब्बत कर ही नहीं सकता। इस बाप का एहतराम कीजिए कि उसने दो बड़ी नेमतें दी, इस दुनिया में भी इज्जत के साथ सर उठा के जीने कर दिए, उसने तुम्हें अपना नाम दिया, और फिर मरने के बाद महशर में भी तुम्हें इज्जत दी अपने नाम के जरिए। एहतराम करे वालदैन का जिनके माँ बाप जिंदा हैं, जिनके माँ बाप जिंदा नहीं हैं वो अपने माँ बाप की खिदमत इसारे सवाब के जरिए करें। आप पैसा नहीं, आपके पास दौलत नहीं, तो आप खुद सूरह फातिहा के जरिए, उनकी नमाजों के जरिए इसारे सवाब कर सकते हैं। आप इससे दूर ना रखिए, वरना मोहतबर रिवायतें ये कहती हैं कि उनकी जिंदगी में अगर तुमने बहुत अच्छा शुरू किया था, बहुत अच्छा बर्ताव किया, वो राजी होकर दुनिया से तुम्हारे पास से गए, लेकिन मरने के बाद अगर तुमने उन्हें फरामोश कर दिया तो खुदा अपनी जानिब से आफ कर देता है। ये जिंदगी में सिर्फ आफ का मरहला नहीं है, इस जिंदगी में यहां जब आपके साथ थे तो राजी होके गए, लेकिन मरने के बाद आपने उसे फरामोश कर दिया, परवरदिगार उसे आफ कर देता है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने अपनी कमजोरी के बिना पर किसी तरह अपने माँ बाप को नाराज किया है, और वो अब चाहता है कि वो शर्मिंदा है, वो चाहता है कि उसके माँ बाप राजी हो जाएं, तो अब रिवायतें कहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनके लिए सारे सवाब करो ताकि उनकी रूह शाद हो, फिर खुदा उनकी जानिब से, जो उनकी जानिब से आप हो चुके थे, खुदा उनकी रजायत की बिना पर उन्हें माफ कर देगा। अब ये ना सोचे ये सिलसिला ये तो रुक गया है, माँ बाप के हुकूक जिंदगी के बाद मौत के बाद भी बाकी रहते हैं, वो हुकूक खत्म नहीं होते। इसलिए जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो जिंदगी में उनके साथ उसमें शुरू करें, जिनके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मौत के बाद उनके लिए इंसान सवाब करे। और अजीजों, कायनात में अगर माँ देखी जाए फातिमा जैसी कोई माँ नहीं, बाप देखा जाए तो करबला में हुसैन जैसा कोई बाप नहीं। मासूम अम्मा की जिंदगी उठा कर देखे, एक बाप और बेटे में किस अंदाज में मोहब्बत होती है। बाप कितना ही मजबूर हो लेकिन बेटे पे आंच कभी देख नहीं सकता। वो देखे और रायतें तारीखें उठा कर देख लीजिए आप, बाप और बेटे में किस अंदाज में मोहब्बत होती है। ये करबला में हुसैन जैसा बाप हो और अली अकबर जैसा बेटा हो, और जब इजाजत लेके बेटा जा रहा हो अली अकबर को जब किसी की गिरने की आवाज सुनाई देती है, यही सवाल किया था, बाबा आप तो रुखसत कर चुके हैं क्यों आ रहे हैं? और हुसैन हजरत ने यही कहा, मेरे लाल काश तुम साहिब औलाद होते, मरने के बाद उनकी रूहें अपने बच्चों में लगी रहती है। लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि जब मरने वाला मर जाता है, जब बाप इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो एक नालायक बेटा भी इतना करता है कि मोहब्बत के साथ अपने बाप को उस ले आता है, कफन पहनाता है, बड़े इज्जत और एहतराम के साथ कब्र में ले जाकर उतारता है, बाप के लिए सारे सवाब करता है, उसने कफन पहनाया। मरने वाला जिसके चेहरे पे जब इस दुनिया से रुखसत हो गया, ये तीन बेटे मौजूद हैं, आपने बेटों को जाकर बड़े मोहब्बत के साथ तसल्ली भी दी, तशफ्फी भी दी, बच्चों को रहा नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, कोई चचा आगे बढ़ता है, कोई दोस्त आगे बढ़ता है, कोई अजीज आगे बढ़ता है, किसी ने बेटे के सर पे दस्तखत
بسم الله الرحمن الرحيم.